देवास में आर्थिक आधार पर आरक्षण एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन, गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने व खाद बीज के मूल्य पर नियंत्रण जैसी करीब 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन में चल रही श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की स्वाभिमान यात्रा बुधवार को देवास पहुंची, जिसका नगर में जोरदार तरीके से क्षत्रिय राजपूत समाज के साथ अन्य सामाजिक संगठन एवं सामाजिक संस्थाओं ने स्वागत किया। यात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर कर रहे हैं। इस दौरान जगह जगह विभिन्न समाज, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने मंच लगाकर यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मेंढकी स्थित वृंदावन गार्डन पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों के क्षत्रिय राजपूत समाजन मौजूद रहे। हमारे संवाददाता से चर्चा में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर द्वारा बताया गया, 8 जनवरी 2023 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जन आंदोलन किया जाएगा, जिसके चलते हमारी राष्ट्रीय कर्णी सेना द्वारा गांव-गांव में कर्णी सैनिक पहुंचकर जन जागृति यात्रा के माध्यम से लोगों में जागृति लाने का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने सभी समाजजनों से इस आंदोलन में अपना सहयोग देने एवं 8 जनवरी को भोपाल चलने का आग्रह भी किया। पूरे प्रदेश भर में हमारा प्रवास चल रहा है और हम पूरे प्रदेश भर में स्वाभिमान यात्रा को लेकर घूम रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है और जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिले, कर्णी सैनिकों से मिले और उनको अपनी जो जन जागरण यात्रा है उसके लिए प्रेरित करें कि हम जब स्वाभिमान यात्रा लेके आपके पास आए तो आपके पास जो 21 सूत्री मांगों का पेम्फलेट आए तो उस पेम्फलेट को आप भी छपवाएं और गांव-गांव घर-घर तक जन जागृति यात्रा निकालें, ताकि हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर धर्म के व्यक्ति तक ये बात जानी चाहिए कि हमारे मुद्दे राष्ट्र हित में, हमारे मुद्दे हर गरीब के लिए, हमारी लड़ाई किसी जाति वर्ग या धर्म से नहीं है। क्योंकि अभी जागृति नहीं है लोगों में, लोग ये सोचते हैं हम एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, मगर हमारा मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है, शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है। हम ये चाहते हैं कि गरीबी जाति देख के नहीं आती है, तो आरक्षण भी जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो गरीब हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए और कोई भी शोषित पीड़ित हो उसे हक मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, पर निर्दोष को भी जेल नहीं जाना चाहिए। हम उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए हमारे अधिकारों की भी मांग कर रहे हैं और हमने शुरू से ही कहा है कि हम हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए हमारे अधिकारों की भी रक्षा करेंगे। इसी बीच में हमने एक सामान्य ओबीसी एक्ट भी की भी मांग की है, जो ST SC के तर्ज पर ही सामान्य पिछड़ा एक्ट भी बने, ताकि हमारे जो गरीब वर्ग के वंचित लोग हैं, इस देश में 72% जनता सामान्य पिछड़ा की निवासरत है, तो कम से कम उनके भी हक अधिकारों की रक्षा हो सके। हमें ये नहीं चाहते कि हम एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो, वो रहे, पर उसमें जांच व्यवस्था हो और सामान्य ओबीसी एक्ट भी बने, ताकि हमारे ऊपर भी कोई अत्याचार अन्याय करे तो उनके ऊपर मुकदमा हो सके। 8 जनवरी को जन आंदोलन की यात्रा है, क्या है उसका? आर्थिक आधार पर आरक्षण एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव, सामान्य पिछड़ा एक्ट की मांग, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के मतलब दाम तय हो, बढ़ती खाद बीजों के रेटों पर अंकुश लगाया जाए और न्यूनतम दर पे कम से कम खाद मिले, बीज मिले, और जो पेस्टिसाइड की दवाइयां हैं जिन पे GST है, GST हटाया जाए, रोजमर्रा की खाद की जो चीज़ें हैं उन पे से GST हटाया जाए, शिक्षा पद्धति में सुधार किया जाए, चिकित्सा पद्धति में सुधार किया जाए। ऐसी 21 सूत्री मांगों के साथ हम जन आंदोलन में एक जन सैलाब के साथ 8 जनवरी को उपस्थित होंगे और हमें पूरा यकीन है कि हमारी राष्ट्र हित की मांगों को, देश हित की मांगों को सरकार मानेगी और उन्हें पूरा करेगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।